चंद्रयान हो या आदित्य एलवन मिशन, इसरो ने बीते कुछ वर्षों में अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। इसकी गिनती आज दुनिया की टॉप अंतरिक्ष एजेंसियों में की जाती है। इसरो के ताज में अब एक और हीरा लगने वाला है। इसको जल्द ही सूर्य के अध्ययन के लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी 4 दिसंबर को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को लॉन्च करेगा। इस मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। मिशन के तहत 2 सैटेलाइट पूर्ण सूर्य ग्रहण को सिमुलेट करते हुए सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेंगे। प्रोवा 3 मिशन यूरोप के कई देशों का एक साझा प्रोजेक्ट है, जिसमें स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, इटली और स्विट्जरलैंड शामिल है। इस मिशन की अनुमानित लागत करीब 200 मिलियन यूरो है। बता दें कि इससे पहले इसरो ने ही प्रोवा 1 मिशन को 2021 में और प्रोवा 2 मिशन को 2009 में लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में पहली बार प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग को आजमाया जाएगा, जिसका मतलब है 2 सैटेलाइट एक साथ उड़ेंगे और लगातार एक तय दूरी को बनाए रखेंगे। इस मिशन में 2 प्रमुख स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं। इसमें एक अकल्टर है जिसका वजन 200 किलोग्राम है, वहीं दूसरे का नाम क्रोनोग्राफ है जिसका वजन 340 किलोग्राम है। ये दोनों बेहद सटीक तालमेल के साथ काम करेंगे। लॉन्चिंग के बाद ये दोनों सैटेलाइट अलग अलग हो जाएंगे, बाद में इन्हें एक साथ लाया जाएगा। फिर ये सूर्य की चमकीली रोशनी को ब्लॉक कर देगा और सूर्य के कोरोना यानी बाहरी वायुमंडल के अध्ययन का मौका देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रोवा 3 स्पेसक्राफ्ट को दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में रखा जाएगा, जिसकी ऊंचाई 600 से 60,530 किलोमीटर होगी। ये करीब 20 घंटे में परिक्रमा लगाएगा। प्रोवा 3 मिशन का उद्देश्य सूर्य के कोरोना की स्टडी करना है। ये सूर्य का वो हिस्सा है जहाँ का तापमान 2,000,000 डिग्री फारेनहाइट तक पहुँच जाता है। सूर्य का कोरोना अंतरिक्ष के मौसम पर गहरा प्रभाव डालता है। इसी के चलते सौर तूफान और सौर हवाएं चलती हैं, जो पृथ्वी के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टमों और पावर ग्रिडों को गंभीर क्षति पहुंचा सकते हैं। प्रोवा 3 मिशन में दोनों सैटेलाइट एक तय संरचना में उड़ान भरते समय एक दूसरे से बहुत ही करीब होंगे। इसका सटीक अलाइनमेंट सूर्य ग्रहण के प्रभावों को सिमुलेट करने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। मिशन के तहत इसमें एक सैटेलाइट सूर्य के प्रकाश को ब्लॉक करेगा, जबकि दूसरे को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। प्रोवा 3 लगातार 6 घंटे तक कोरोना का अवलोकन करेगा, जो 50 प्राकृतिक सूर्य ग्रहणों की कुल अवधि के बराबर होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।